सो हाय गाईज़ वेलकम बैक टू माय चैनल इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप लोग तो एन का जो न्यू वेबसाइट है उससे आप डाटा को इंपोर्ट कर सकते हो जैसे ऑप्शन चेन का डाटा अगर आप डायरेक्टली वेब स्क्रैपिंग करोगे तो वहां से वो डाटा आपको एक्सेल के ऊपर नहीं आ पाएगा तो क्या वो तरीका है जिससे आप एन के वेबसाइट से डायरेक्टली एन की वेबसाइट से आप जाकर के डाटा को अपने एक्सेल के अंदर डाल सकते हो और कहाँ क्या इशू आ सकता है उन सभी चीज़ों के बारे में लोग इस वीडियो में बात करते हैं और फाइनली मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारा कोड दे दूँगा जो जो कोड आपको डालना है यहाँ पर तो जैसे कि आप मेरे चार्ट के ऊपर देख रहे हो तो यहाँ पे भी देखो एक्सेल का ऑप्शन तो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करना कमेंट करना शेयर करना सब्सक्राइब कर लेना और इसके साथ, साथ टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा ठीक है सो गाइस एक और इंपॉर्टेंट चीज तक आप लोगों के पास कोई भी डीमैट अकाउंट नहीं है या फिर आप कोई भी डीमैट अकाउंट यूज कर रहे हो और आपको बहुत ज्यादा ब्रोकरेज ब्रोकर के बारे में बताना चाहता हूं कि ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत कम ब्रोकरेज ले रहा है देखो ऐसा बहुत सारा इंडिया में ब्रोकर है कि जीरो ब्रोकरेज भी चार्ज कटा है लेकिन उनके साथ प्रॉब्लम क्या है ना उनका ऐप कहीं ना कहीं रुकता है और आपको उसके कारण लॉस होता है तो अभी मैं आपको एक ब्रोकर के बारे में बताने वाला हूँ जो कि बहुत कम आपका ब्रोकरेज लेगा मैंने उसका एक कंपेरिजन वीडियो भी बना रखा है तो आई बटन पर चेक कर लो उस ब्रोकर का नाम है पेटीएम मनी ठीक है पेटीएम मनी में आप जाकर के डिमेट अकाउंट खोल सकते हो अभी ब्रोकरेज इनका बहुत कम लग रहा है बहुत कम चार्जेस इनका लग रहा है अकाउंट खोलने के लिए और न, आ, ब्रोकरेज में भी बहुत कम ये लिखते हैं चार्जेस एज कम्पेयर टू तो जीरोधर और कोई भी बड़े ब्रोकर से ठीक है तो इसका अकाउंट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वहां से जाकर खोल सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट कोई भी आपको चार्जेस देने का जरूरत नहीं है तो चलो गई अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं सो so, गाइस देखो अभी मेरे पास एक एक्सेल खुला हुआ है मैं इसको सबसे पहले इसको डिलीट कर देता हूँ इस चीज को उसके बाद वो फिर नए नह, नए तरीके से बनाते हैं कि कैसे आप डाटा को इम्पोर्ट कर सकते हो तो मैं भी सारी चीज़ को भी डिलीट कर देता हूँ तो कहीं सबसे पहले आपको क्या करना है आपको अपना कोई भी एक वेब ब्राउजर खोलना है जैसे कि मैं अपना क्रोम खोल रहा हूँ यहाँ पे आपको सर्च करना है एनएससी एन ए सी का जो नया वाला वेबसाइट है उसको आपको यहाँ पे खोल लेना है तो मैंने अभी एनएससी का नया वाला वेबसाइट यहाँ पे खोल लिया देख लो अभी मैं क्या हूँ यू आर ऑन द न्यू एन एस सी वेबसाइट ठीक है तो मैं नए वाले एन एस सी वेबसाइट पर हूँ यहाँ पे आपको डेरिवेटिव्स पे आना है ठीक है डेरिवेटिव्स पे आने के बाद आपको यहाँ पे नीचे बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा कौन सा इंस्ट्रूमेंट का आपको जाकर के ऑप्शन चेन के अंदर आपको ऑप्शन चेन का देखना है ठीक है तो मैं मान लो अभी निफ्टी का यहाँ पे खोलना चाहता हूँ तो मैं निफ्टी इंडेक्स का ये वाला ऑप्शन ले रहा हूँ ठीक है तो इसके ऊपर सिंपली आपको क्लिक करना है आप जैसे ही क्लिक करोगे एक नया विंडो खुल जाएगा और ये थोड़ा लोड होगा तो इसको पहले आप लोड होने देना यहाँ पे चार्ट के ऊपर ये लोड हो जाएगा उसके बाद सो इस यहाँ पे देखो एक नया पेज खुल जाएगा नया पेज खुलने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे कहीं पर भी राइट क्लिक करना है ठीक है तो आप जैसे यहाँ पे राइट क्लिक करोगे नीचे में आपको एक इंस्पेक्ट का ऑप्शन मिल जाएगा तो इंस्पेक्ट का ऑप्शन आप जैसे ही पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे साइड में एक विंडो खुल जाएगा जो कि सारा सारा आपको मिल जाता है ठीक है तो उसके बाद आपको यहां पे ऑप्शन चेन पे क्लिक करना है तो ऑप्शन चेन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो ये थोड़ा वैल्यू चेंज हो जाएंगे ठीक है तो ऑप्शन चेन एक बार देख लेना कौन सा ऑप्शन चेन है ठीक है यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहां से नेटवर्क के ऊपर आ जाए तो भाई जैसे ही आप नेटवर्स के ऊपर यहाँ पे देखो नेटवर्क के ऊपर आओगे नेटवर्क के ऊपर नीचे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा ऑप्शन चेन इन डाइस यहाँ पर सिंबॉल करके आएगा ठीक है आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है इसके ऊपर क्लिक करोगे तो साइड में यहाँ पे एक विंडो खुल के आ जाएगा इसमें आपको थोड़ा नीचे स्क्रोल करना है और यहाँ पे आपको कुकीज पे देखना है ठीक है सिर्फ कुकीज़ होना चाहिए जैसे कि यहाँ पे आपको देखो कुकी दिख रहा है तो इस वाले डाटा को जो आपको कुकी का पूरा डाटा इस पर क्लिक करना है तो ये पूरा का पूरा सेलेक्ट हो जाएगा और इसके ऊपर राइट क्लिक करके इसको कॉपी वैल्यू कर लेना है ठीक है तो जैसे ही कॉपी वैल्यू करोगे उसके बाद आपका यहाँ पे काम ये खत्म हो गया उसके बाद आपको एक्सल खोलना है ठीक है एक्सेल खोलने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे कुकीज़ लिख लेना है कुकीज़ लिखने के बाद नीचे वाले यहाँ पे कंट्रोल वी मतलब यहाँ पे पेस्ट कर लेना राइट क्लिक right करके यहाँ पे पेस्ट कर लेना जो डाटा आपने कॉपी करा है उसको यहाँ पे पेस्ट कर लेना तो अब देखो ये यह डाटा यहाँ पे पेस्ट हो गया इसके बाद इन दोनों चीज़ को आप सेलेक्ट कर लेना कंट्रोल दबा करके इसको सेलेक्ट कर सकते हो सेलेक्ट करने के बाद सिंपली आपको यहाँ से डाटा पे आ जाना है और फ्रॉम टेबल रेंज पर क्लिक करना है फ्रॉम टेबल रेंज पे क्लिक करने के बाद देखो आपको एक नया विंडो खुल के आ जाएगा यहाँ पे एक नया विंडो खुल के आएगा तो इसके ऊपर सिंपली आपको यहाँ पे माई टेबल एज हेडर पे क्लिक करके ओके okay करना है ठीक है तो जैसे ही आप ओके okay करोगे ये यह एक थोड़ा यहाँ पे करेगा कि कुछ करेगा इसको यस yes कर देना तो यस yes करने के बाद देखो यहाँ पे पावर क्वेरी एडिटर खुल जाएगा इसको थोड़ा लोड होने देना क्योंकि ये लोड होने में थोड़ा टाइम लगता है सो देखो ये यह यहाँ पे लोड हो चुका है अब इसको सिंपली आपको यहाँ पे चेंज टाइप पे इसको क्लिक करके क्रॉस कर देना है इसके बाद यहाँ पे देखोगे तो आप इसके ऊपर आना है यहाँ पे ये देखो टेबल थ्री और ये आपको एक डाटा का मिल जाएगा और नीचे टेबल थ्री तो ये मैंने पहले बना रखा था तो मुझे इसको डिलीट करना है तो मैं इसको पहले डिलीट कर देता हूँ यहाँ पे तो चलो जैसे यहाँ पे आप यहाँ पे आओगे इसको आपको इसका नाम चेंज करके आप इसको डाटा नाम दे दो इसका रीनेम कर दो यहाँ पे और नेम चेंज करके यहाँ पे डाटा कर दो इसका तो मैंने इसका नाम चेंज करके इसको डाटा कर दिया उसके बाद आपको यहाँ पे एडवांस एडिटर पे आ जाना है ठीक है एडवांस एडिटर पे जैसे ही क्लिक करोगे एक नया यहाँ पे आपको एक पेज खुल जाएगा और यहाँ पे एडवांस एडिटर का एक टैब खुल जाएगा इसके बाद यहाँ पे आपको थोड़ा सा कोडिंग करना है कोड जो भी होगा आपको मैं यहाँ पे नीचे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ इन सभी कोड का तो सबसे पहले आपको ये वाला जो लाइन है इसको कॉपी कर लेना है इसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो वहाँ से आप इजिली इसको डाल सकते हो तो यहाँ पे सिंपली आपको ये करने के बाद यहाँ पे फर्स्ट वाले पे लेट पे जाकर के क्लिक करके इंटर दबाना है और उसके ऊपर में एक टैब यहाँ पे

अदर सोर्स पे जा करके एक ब्लैंक क्वेरी खोल लेना है ठीक है तो अब देखो ये ब्लैंक क्वेरी का इसका नाम रीनेम आप यहाँ पे कर सकते हो कुकीज़ का नाम दे सकते हो तो यहाँ पे तो मैंने यहाँ पे इसका नाम कुकीज़ करके दे दिया यहाँ पे तो कुकीज़ करके इसको खोल लेना है फिर ये, ये खोलने के बाद ये जब हो जाएगा रीनेम हो जाएगा इसके बाद सिंपली आपको यहाँ पर एडवांस एडिटर पर क्लिक करना है तो एडवांस एडिटर पर आप जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पर आपको ये पूरा पूरा डाटा जाएगा इसको पूरा डिलीट कर देना तो कंट्रोल ए दवा करके सेलेक्ट ऑल और डिलीट का ऑप्शन पर क्लिक कर देना देन आपको ये जो कोड आपको यहाँ पर मिलेगा इस कोड को यहाँ से नीचे पूरा कॉपी कर लेना तो ये कोड हमारा कॉपी हो गया इस कोड को सिंपल जो कोड को आपने यहाँ पे कॉपी करा इसको कंट्रोल वी दबा के यहाँ पे पेस्ट कर देना और आपका काम यहाँ पे खत्म इसके बाद आपको डन पे क्लिक करना है और जैसे ही आप डन पे क्लिक करोगे देखो ये पूरा का पूरा आपको पूर डाटा पूर यहाँ पे एक्सेल का आ गया जो ऑप्शन चेन का डाटा है एडवांस डाटा है वो सारा कुछ आ गया अब यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करना है ठीक है तो मान लो आपको यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस को बीच में रखना है तो आप स्ट्राइक प्राइस को बीच में रख सकते हो और कॉल को एक साइड में इधर कॉल को इस साइड में डाल सकते हो या फिर डेट को आप यहाँ पे एक्सपायरी डेट है सबसे पहले एक्सपायरी डेट को यहाँ पर रख लो उसके बाद कॉल को रख लो यहाँ पे और स्ट्राइक प्राइस को तो देखो यहाँ पे कॉल जैसे यहाँ क्लिक करोगे यहाँ पे आपको एक्सपैंड का ऑप्शन मिलेगा इसके ऊपर क्लिक करना हो तो यहाँ पे आपको सारा का सारा डाटा मिल जाएगा तो मुझे क्या क्या चाहिए यहाँ पे सेलेक्ट ऑल करके पहले सबको हटा लेना उसके बाद आपको चाहिए कि एक्सपायरी डेट स्ट्राइक प्राइस चाहिए देन आपको यहाँ पे ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट का डाटा चाहिए फिर ओपन इंटरेस्ट चेंज इन ओपन इंटरेस्ट चाहिए देन आपको जो जो डाटा यहाँ पे चाहिए वो सारा डाटा आपको यहाँ पे मिल जाएगा तो प्राइस चेंज परसेंटेज चेंज इन सभी को करने के बाद आप यहाँ पे ओके okay कर देना तो देखो ये सारा का सारा डाटा आपको यहाँ पे आ गया सेम इसी तरीके से आपको पुट के साइड भी क्लिक करना है पुट पुट के साइड भी क्लिक करके आपको चाहिए स्ट्राइक प्राइस चाहिए देन ओपन इंटरेस्ट कहता था चेंज इन ओपन इंटरेस्ट परसेंटेज चेंज देन आपका यहाँ पे आ जाएगा नीचे में लास्ट uh, प्राइस और परसेंटेज चेंज तो इसको क्लिक करने के बाद ओके कर देना तो देखो ये डाटा इधर भी आ गया अब इसको सिंपली आपको क्या करना है यहाँ पे जाकर के क्लोज एंड लोड का ऑप्शन पे क्लिक करना है थोड़ा टाइम लगेगा यहाँ पे आके पूरा पूरा का पूरा डाटा आपका यहाँ पे लोड हो जाएगा तो देखो गई इस यहाँ पर मैं इसको हटा देता हूँ एक बार तो देखो ये जो पूरा का पूरा एक्सल सीट है ये आपका डाटा यहाँ पे आ गया अब इसको आप अपने अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज कर सकते हो ठीक है तो ऑर्गेनाइज करने के लिए सिंपली पहले स्ट्राइक प्राइस पर यहाँ पे क्लिक करना आपको सेलेक्ट ऑल यहाँ पे हटा देना और उसके बाद जो भी करंट आपको चाहिए ठीक है करंट एक्सपायरी आपको जो भी चाहिए मार्च में मान लो सोलह तारीख का चाहिए तो सोलह तारीख का एक्सपायरी पर क्लिक कर लेना तो ये पूरा सोलह का एक्सपायरी का जो डाटा आएगा वो आपका यहां पे फिल्ट होकर के आ जाएगा ठीक है तो ये हो गया आपका पूरा उप, का पूरा ओ ऑप्शन चेन का डाटा आपने यहाँ पे क्लिक कर लिया आपको यहाँ पे अगर इसको इस बटन को हटाना है तो यहाँ पे फिल्टर बटन पे क्लिक करके हटा देना कलर चेंज करना है तो कलर भी चेंज कर सकते हो यहाँ से तो मैं अभी येलो वाला कलर यहाँ पे ले लेता हूँ थोड़ा अच्छा दिखता है तो ये पूरा का पूरा आपका प्रोसेस हो गया कि कैसे आपको ऑप्शन चेन का डाटा को अपने एक्सेल के ऊपर लाना है अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना अगले वीडियो में आपको बताऊँगा कि इसके ऊपर इसके बेसिस पे ओपन इंटरेस्ट का ग्राफ कैसे बनाना है जो कि ऑटोमेटिक अपडेट होगा उन सभी चीज़ों के बारे में लोग अगले वीडियो में बात करें तो अगर होप आपको ये वीडियो अच्छा तो वीडियो को लाइक करना कमेंट करना शेयर करना सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बताना कि आपको वो वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए तो चलो गई मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक यू गाइज थैंक यू फॉर्ज वॉचिंग दिस वीडियो मिलते हैं अगले वीडियो में